हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ़ यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ, यू एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ एंड वी इज ऑल्सो ए वैक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेट टू बी वन वन if different elements of u have different images in v under this linear transformation t। तो t जो u से v तक एक linear transformation है वो 1-1 कब कहलाएगा, जब u के different elements का image v के अंदर जो होगा वो different हो। different elements of u have different images in v under the linear transformation t, मतलब if u1 is not equal to u2 then t of u1 must not be equal to t of u2। सो अगर u1 u2 डिफरेंट है तो t ऑफ u1 और t ऑफ u2 भी डिफरेंट होने चाहिए, देन दैट फंक्शन t इज कॉल्ड एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और t फ्रॉम u2 v इज 1-1 इफ फॉर ऑल u1 u2 बिलोंगिंग टू u t ऑफ u1 इज इक्वल टू t ऑफ u2 इंप्लाइज u1 इज इक्वल टू u2। सो वी कैन यूज दिस डेफिनेशन ऑल्सो कि t फ्रॉम u2 v इज 1-1 अगर t ऑफ u1 इज इक्वल टू t ऑफ u2 ऑलवेज इंप्लाइज दैट u1 इज इक्वल टू u2। ठीक है, सो दिस 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे आपको ऑन टू फंक्शन पता है वैसे ही ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होती हैं। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वी हैज ए प्री इमेज इन यू अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, मतलब v के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज u के अंदर होनी चाहिए। सो t फ्रॉम u टू v इज ऑन टू इफ फॉर ईच v बिलोंगिंग टू कैपिटल v, कैपिटल v का अगर आप कोई भी एलिमेंट स्मॉल v लेते हो सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन u बिलोंगिंग टू कैपिटल u सच दैट v इज प्री इमेज ऑफ u, दैट इज v कैन बी रिटन एज t ऑफ u। सो t फ्रॉम u टू v ऑन टू कब है, अगर आप v का कोई भी एक एलिमेंट लो उसकी कम से कम एक प्री इमेज u के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, देन t इज कॉल्ड एज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सच ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं सर्जेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन और सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी कम टू वैक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v इज सेट टू बी वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म तो होता ही है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको हम वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कब कह देते हैं, व्हेन t इज 1-1 एज वेल एज ऑन टू, जब t 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो ऐसे वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म को हम बोलते हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। सो व्हेन u इज आइसोमॉर्फिक टू v, अगर u से v तक हमारे को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है जो आइसोमॉर्फिज्म है, देन हम ये भी कह सकते हैं कि u इज आइसोमॉर्फिक टू v, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं नोटेटेड, इट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन u इज आइसोमॉर्फिक टू v, इसको कहते हैं u इज आइसोमॉर्फिक टू v। एंड 1-1 एंड 1-2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो वेक्टर स्पेस होमो आइसोमॉर्फिज्म जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल हियर। शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर टू टू आर थ्री डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सो दिस एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आर टू और इस पर जब हम टी अप्लाई करते हैं सो वी गेट एन एलिमेंट ऑफ आर थ्री। So it is a function from R2 to R3 and we have to show that this function is a linear transformation and it is 1-1 but it is not onto. तो सबसे पहले तो हम ये show करते हैं कि it is a linear transformation. तो linear transformation के लिए मैं यहाँ पर u x1 y1 और v x2 y2 ये कोई भी दो element मैंने ले लिए R2 के अंदर। Now I will find out the value of t of u plus v. So what is t of u plus v? That is t of x1 y1 plus x2 y2. All right. So this can be written as
एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू को जब हम कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू। तो दिस इज एडिशन इन आर टू। अब ये जो एलिमेंट आया इस पे हम टी लगा देंगे, जो डेफिनेशन हमारे फंक्शन टी की थी। तो टी ऑफ एक्स वाई इज एक्स फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, देन एक्स माइनस वाई मतलब डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट, देन एक्स प्लस वाई दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट। तो जब एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू पे ये डेफिनेशन लगाएंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू एज इट इज, देन एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस वाई वन प्लस वाई टू दैट मीन्स एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस वाई वन माइनस वाई टू, एंड द थर्ड एलिमेंट इज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस वाई वन प्लस वाई टू। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं देखिए एक्स वन, देन यू कैन राइट इट लाइक दिस एक्स वन माइनस वाई वन, एंड देन यू कैन राइट एक्स वन प्लस वाई वन, प्लस यू कैन राइट एक्स टू, एक्स टू माइनस वाई टू एंड एक्स टू प्लस वाई टू, है ना। इन दोनों का सम करेंगे तो ये ऊपर वाला एलिमेंट आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट टी ऑफ एक्स वन वाई वन, एंड व्हाट इज दिस एलिमेंट, दिस इज नथिंग बट टी ऑफ एक्स टू वाई टू। सो एक्स वन वाई वन इज यू एंड एक्स टू वाई टू इज वी। सो बिकॉज यू और वी हमने आर्बिट्रेरी चूज किए थे तो मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी फॉर ऑल यू वी बिलोंगिंग टू आर टू। हेंस हमने ये प्रूव कर दिया कि टी प्रिजर्व्स द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हम इसके स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। मान लीजिए ए कोई भी एक रियल नंबर है और यू हमने एक्स वन वाई वन ले रखा है एनी एलिमेंट ऑफ आर टू, ठीक है, यू इज एक्स वन वाई वन दैट इज एनी एलिमेंट ऑफ आर टू। नाउ व्हाट अबाउट टी ऑफ ए यू, टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू टी ऑफ ए इंटू एक्स वन वाई वन। नाउ यूजिंग दिस स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन आर टू, आर टू में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कंपोनेंट वाइज एक्स वन से और फिर वाई वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी विल गेट टी ऑफ ए एक्स वन ए वाई वन। नाउ अगेन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ टी, फर्स्ट कंपोनेंट देन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड देन फर्स्ट प्लस सेकेंड। नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स वन माइनस वाई वन एक्स वन प्लस वाई वन। नाउ दिस इज मल्टीप्लीकेशन इन आर थ्री। एंड वट इज दिस एक्स वन माइनस वाई वन एक्स वन प्लस वाई वन, दैट इज टी ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन, एंड एक्स वन वाई वन इज यू, सो दिस इज ए इंटू टी यू। सो अगेन आई कैन राइट टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टी यू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर and u belonging to R2. So that means T preserves addition and scalar multiplication. So clearly T is a linear transformation. अब ये linear transformation तो हमने show कर दिया कि T is a linear transformation. Now we have to show that कि T is 1, 1 but not on. Okay? सो सपोज जो हमने u और v ऊपर हमने सपोज कर रखे हैं x1 y1 और x2 y2, सपोज उनके लिए t ऑफ u इज इक्वल टू t ऑफ v है, दैट मीन्स t ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू t ऑफ x2 y2 है। इसका क्या मतलब हो गया, t ऑफ x1 है x1, x1 माइनस y1, x1 प्लस y1, और t ऑफ x2 y2 क्या है, x2, x2 माइनस y2 एंड x2 प्लस वाई टू। अब ये दोनों एलिमेंट एक्स वन माइनस वाई वन एक्स वन प्लस वाई वन एक्स टू माइनस वाई टू एक्स टू प्लस वाई टू, ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वाई टू एंड एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू प्लस वाई टू। अब यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, और अगर हम यहाँ पे सेकेंड इस इक्वेशन में x1 वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वाई टू में x1 को x2 के इक्वल पुट कर देंगे तो वी विल गेट y1 वन इज इक्वल टू वाई टू, एंड x1 वन इज इक्वल टू एक्स टू एंड y1 वन इज इक्वल टू वाई टू, दिस ऑल्सो सेटिस्फाई दिस थर्ड इक्वेशन है। इसका मतलब हमारे पास आ गया x1 वन इज इक्वल टू एक्स टू एंड y1 वन इज इक्वल टू वाई टू।
और अगर एक्स वन एक्स टू के इक्वल है और वाई वन वाई टू के इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू, दैट मीन्स यू इज इक्वल टू वी. सो वी स्टार्टेड विथ टू टी यू इज इक्वल टू टी वी एंड वी ऑब्टेन्ड दैट दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू वी, हैंस टी इज वन वन. सो टी यू इज इक्वल टू टी वी इंप्लाइज यू इज इक्वल टू वी फॉर ऑल यू वी बिलोंगिंग टू आर टू, देयर फॉर टी इज वन. But now we have to show that T is not onto. T is not onto का मतलब ये हो गया, देखो T is a transformation from R2 to R3. So that means we have to show some element in R3 which does not have pre-image in R2. तो मैं R3 का एक element लेता हूँ, suppose मैंने एक element ले लिया 1, 2, 3, क्योंकि ये not onto prove करना, तो I have to give some counter example. So I have taken this element 1, 2, 3. This is an element of R3. And suppose there exist xy belonging to R2 such that T of xy is equal to 1, 2, 3. मान लीजिए ये xy एक ऐसा element है R2 का जो 1, 2, 3 की pre-image है. तो इसका मतलब x, x minus y, x plus y, it should be equal to 1, 2, 3. So that means x should be equal to 1. X minus y should be equal to 2 and x plus y should be equal to 3. अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 1 आ जाती है, और अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ सेकेंड इक्वेशन में, सो आई गेट 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट गिव्स मी माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1. बट नाउ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1, दिस डज नॉट सेटिस्फाई योर थर्ड इक्वेशन. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1 आपकी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. और अगर मैं x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करता हूँ थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ से मेरे पास देखिए y की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से y की वैल्यू आती है 2. सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. x और y की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो x इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इस सिस्टम को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर. सो आई विल राइट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर टू सच दैट टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, 2, 3. इसका क्या मतलब हुआ, हैंस टी इज नॉट ऑन टू. इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू नहीं है, क्योंकि हमें R3 में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज R2 में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि x इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. x और y की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो साइमल्टेनियसली इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जहाँ पर आपने 1-1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना हो. ओके, नेक्स्ट हेयर इट इज ए थ्योरम. इफ यू एंड वी आर वेक्टर स्पेसेस विद यू फाइनाइट डायमेंशनल, यू आपको फाइनाइट डायमेंशनल दिया हुआ है, एंड सपोज u1 u2 एंड सो ऑन un, इट इज एनी बेसिस ऑफ u, एंड लेट v1 v2 vn बी एनी n वेक्टर्स इन v, देन देयर इज वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v फॉर विच T of ui is equal to vi for all i is equal to 1, 2 and so on up to n. तो अगर u एक finite dimensional vector space है और u1, u2, un इसका एक basis है जिसमें n vectors हैं, और v1, v2 and so on vn ये n vectors हैं v के, तब ये theorem क्या कह रहे हैं कि there is one and only one linear transformation T from u to v जिसमें u1 की इमेज क्या होगी v1, u2 की इमेज क्या होगी v2 एंड सो ऑन un की इमेज क्या होगी vn. सो t ऑफ ui इज इक्वल टू vi फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन अप टू n. तो ये थ्योरम बहुत सिंपल है, बट इसका रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है. इसका प्रूफ आप अपने आप करेंगे. नाउ यूजिंग दिस थ्योरम वी विल प्रूव एन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. इससे अगली जो थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ भी डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. एंड दिस नेक्स्ट थ्योरम सेज टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड
are isomorphic if and only if they have the same dimension. So that means isomorphic vector spaces have the same dimension. अब isomorphic vector spaces कौन से हैं जिनके बीच में एक linear transformation आप define कर सको जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो. और linear transformation define करने के लिए वो दोनों vector spaces same field के ऊपर defined होने चाहिए. तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि two finite dimensional vector spaces over the same field are isomorphic if and only if they have the same dimension. So suppose U and V are two finite dimensional vector spaces over a same field F. तो U और V हमने दो finite dimensional vector spaces ले लिए जो same field F के ऊपर defined है. पहले हम ये मानेंगे कि U और V isomorphic है और prove करेंगे कि उनकी dimension same है. और conversely हम U और V की dimension same लेकर चलेंगे और prove करेंगे कि U और V isomorphic है. First of all, let us take that U is isomorphic to V. And we have to show that dimension of U is equal to dimension of V. And क्योंकि U isomorphic है V के, so there exists a one one onto linear transformation T from U to V. हमने एक कहा कि अगर U isomorphic है V के तो U से V तक एक linear transformation exist करेगी जो one one भी होगी और onto भी होगी. और हमने उस linear transformation का नाम लिया T. Okay. Now अब हमें prove क्या करना. We have to show that dimension of U is equal to dimension of V. Now suppose U1, U2 and so on UN, it is a basis of U. अगर U का ये basis है U1, U2 and so on UN, इसका मतलब dimension of U कितनी है N, क्योंकि इस basis set में N element है. So dimension of U is equal to N. Now we consider a set B. B में हमने क्या लिया, जो A के elements थे उनकी image ले ली under the transformation T. So B contains T of U1, T of U2 and so on T of UN. Now clearly this B is a subset of V, क्योंकि all these T of U1, T of U2 and so on T of UN, they belong to V as T is a transformation from U to V. And हम ये show करेंगे कि this B is a basis of V. So first we will show that B is linearly independent. बेसिस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है. पहला हमें ये शो करना है कि बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी. और दूसरा हमें प्रूव करना है कि बी स्पैन्स वी. ओके, सो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्केलर्स ले लेते हैं ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन दैट बिलोंग टू फील्ड एफ सच दैट ए वन इंटू टी यू वन प्लस ए टू इंटू टी यू टू प्लस एंड सो ऑन ए एन इंटू टी यू एन इज इक्वल टू जीरो. तो हमने मान लिया कि कुछ स्केलर्स a1, a2, an के लिए b के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है. नाउ a1 इंटू टी टू टी यू वन प्लस ए टू इंटू टी यू टू एंड सो ऑन ए एन इंटू टी यू एन कैन बी रिटन एज t ऑफ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन ए एन यू एन इज इक्वल टू जीरो. वाई? बिकॉज t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो it preserves addition and scalar multiplication, so I can write this like this. Now t of a1 u1 plus a2 u2 plus and so on an u1 is equal to 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस एलिमेंट की इमेज अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज 0. और आपको पता है कि अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो एलिमेंट की इमेज ही जीरो होती है. जो u का जीरो एलिमेंट होगा दैट विड गो टू जीरो एलिमेंट ऑफ v ओनली. So that means a1 u1 plus a2 u2 and so on an un has to be 0. Again because t is a linear transformation. Now u1 u2 and so on un kya hai? That is a basis of vector space U. So agar hum is basis ke elements ke linear combination ko 0 ke equal rakh rahe hain to iska solution sirf yahi hoga ki a1 is equal to 0, a2 is equal to 0 and an is equal to 0. Why? Because this set u1 u2 and so on un being a basis of U is linearly independent. क्योंकि ये set U का basis है इसलिए linearly independent है. तो ये सारे scalars 0 आएंगे. और ये सारे scalars अगर 0 आ गए and a1 t u1 plus a2 t u2 plus and so on an t and un के equal to t u n 0 के equal था और ये सारे scalars 0 आ गए तो hence B is linearly independent. Now we have to show that B spans V.
Now we have to show that B spans B. तो पहला चीज हमने प्रूव किया कि B is linearly independent और सेकेंड हम शो करेंगे कि B spans V. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कैपिटल V का कोई भी एक एलिमेंट लो और ये प्रूव करो कि दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B. सो V बिलोंगिंग टू कैपिटल V कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट है एंड यू नो दैट T फ्रॉम U टू V इज ए आइसोमॉर्फिज्म. सो T इज ऑन टू. तो ऑन टू होने का मतलब इस V का कोई प्री इमेज U कैपिटल U में एग्जिस्ट करेगा. सो सिंस T इज ऑन टू सो देयर एग्जिस्ट सम U बिलोंगिंग टू कैपिटल U सच दैट V कैन बी रिटन एज T ऑफ U. एंड क्योंकि U कैपिटल U का एलिमेंट है तो U कैन बी रिटन एज b1 into u1 plus b2 into u2 and so on bn into un for some scalars b1 b2 and so on bn. Why? Because u1 u2 un is a basis of capital U. So v को हमने लिख लिया t of b u1 plus b2 u2 plus and so on bn un. देखो v t of u के इक्वल था. U की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी. सो दैट मीन्स V इज इक्वल टू T ऑफ B1 U1 प्लस B2 U2 एंड सो ऑन BN UN. सो दैट मीन्स V कैन बी रिटन एज B1 इंटू T U1 प्लस B2 इंटू T U2 प्लस एंड सो ऑन BN इंटू T U N. Why? Because T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ से ये आ गया कि V कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B. क्योंकि ये बी के ही तो एलिमेंट है टी ऑफ यू वन टी ऑफ यू टू एंड सो ऑन टी ऑफ यू एन. ये किसके एलिमेंट है? बी के एलिमेंट है. सो दैट मीन्स दिस एलिमेंट वी जो हमने कैपिटल वी का एक आर्बिट्री एलिमेंट स्मॉल वी लिया था दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी. हेंस बी स्पैन्स वी. तो बी लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है बी वी को स्पैन भी करता है. सो बी इज ए बेसिस ऑफ वी और बी के अंदर कितने एलिमेंट है टी ऑफ यू वन T of U2 and so on T of UN. So it has n elements. Hence dimension of V must be equal to n. So U ki dimension bhi n thi, V ki dimension bhi n hai. So that means it is clear that dimension of U is equal to dimension of V. Now we'll do the converse part. Suppose dimension of U is equal to dimension of V. Then we have to show that there exists a linear transformation from U to V which is 1 1 and on 2. तो अगर U और V की dimension same है तो हमें एक linear transformation define करनी है. We have to define a linear transformation from U to V such that this linear transformation is 1 1 and on. Okay. Now क्योंकि U की dimension और V की dimension same है and suppose इन दोनों की dimension n के equal है. सो u1, u2 एंड सो ऑन यू एन मान लीजिए ये u का बेसिस है और v1, v2 एंड सो ऑन vn मान लीजिए कि ये v का बेसिस है. देन विद द हेल्प ऑफ लास्ट थ्योरम जो हमने डिस्कस किया था देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v सच दैट t ऑफ ui इज इक्वल टू vi फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन n. सो ये रिजल्ट हमने लास्ट थ्योरम में डिस्कस किया है कि अगर u1, u2, un v का u का बेसिस है और v1, v2, vn ये v में कोई भी n वेक्टर्स हैं देन देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v सच दैट t ऑफ ui इज इक्वल टू vi फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन n. तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है. अब हमें ये शो करना है कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1, 1 भी है और ऑन 2 भी. तो इसके लिए पहले तो हम ये शो कर देते हैं कि इट इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ ए फंक्शन फ्रॉम यू टू वी. ओके. सो अगर यू कैपिटल यू का कोई भी एक एलिमेंट है तो यू को आप लिख सकते हो एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ यू वन यू टू एंड सो ऑन यू एन. सो यू को हमने लिखा ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू प्लस एंड सो ऑन ए एन यू एन बिलोंगिंग टू कैपिटल यू. नाउ व्हाट इज टी ऑफ यू दैट इज टी ऑफ ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू एंड सो ऑन ए एन यू एन which is equal to a1 t of u1 plus a2 t of u2 plus and so on an t of un. Now according to the definition t of u1 is v1 t of u2 is v2 and t of un is vn. So t of u is a linear combination of v1 v2 and so on vn and v1 v2 and so on vn is a basis of v. So t of u belongs to v. So t is a linear transformation from u to v.
ओके, नाउ वी शो दैट टी इज 1 1। टी और टी को 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे कि अगर किसी यू और यू डैश के लिए, मान लीजिए यू और यू डैश कोई भी दो आर्बिटरी एलिमेंट है कैपिटल यू के, सो टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ यू डैश, देन यू शुड बी इक्वल टू यू डैश, हमें शो करना है यू इज इक्वल टू यू डैश। नाउ टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ यू डैश इम्प्लाइज यू को हमने लिख लिया ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू एंड सो ऑन ए एन यू एन, और यू डैश को लिख लिया ए वन डैश यू वन प्लस ए टू डैश यू टू प्लस एंड सो ऑन ए एन डैश यू एन, वेयर ऑल दिस ए आईज एंड ऑल दिस ए आई डैश आर स्केलर्स, ये सारे ए आईज और ए आई डैशेज क्या हैं, स्केलर। नाउ दिस इम्प्लाइज ए वन इंटू टी यू वन प्लस ए टू इंटू टी यू टू एंड सो ऑन ए एन इंटू टी यू एन इज इक्वल टू ए वन डैश इंटू टी यू वन प्लस ए टू डैश इंटू टी यू टू एंड सो ऑन ए एन डैश इंटू टी यू वन। कंबाइनिंग दीज टू ऑन वन साइड वी विल गेट ए वन माइनस ए वन डैश इंटू टी यू वन प्लस ए टू माइनस ए टू डैश इंटू टी यू टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस ए एन डैश इंटू टी यू एन इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए वन माइनस ए वन डैश इंटू वी वन बिकॉज टी ऑफ यू वन इज वी वन, ए टू माइनस ए टू डैश इंटू वी टू प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस ए एन डैश इंटू वी एन इज इक्वल टू जीरो, राइट, बिकॉज ऑल द टी आई यू आईज आर इक्वल टू वी आईज। अब वी वन वी टू वी एन का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो, और वी वन वी टू एन वी एन वी का बेसिस है, सो दैट मीन्स ऑल द स्केलर शुड बी इक्वल टू जीरो, सो ए आई माइनस ए आई डैश इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू एंड सो ऑन एन, सो दैट मीन्स ए आई इज इक्वल टू ए आई डैश फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू एन, इसका मतलब ए वन ए वन डैश के इक्वल है, ए टू डैश के इक्वल है, ए एन डैश के इक्वल है। अब यू क्या था, यू वाज ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू प्लस एंड सो ऑन ए एन यू एन, और यू डैश क्या है, ए वन डैश यू वन प्लस ए टू डैश यू टू प्लस एंड सो ऑन ए एन डैश यू एन। अब ए वन डैश के इक्वल है, ए टू डैश के इक्वल है, एंड ए एन डैश के इक्वल है, सो दैट मीन्स यू इज इक्वल टू यू डैश। तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि जो ये टी है वो वन वन। अब क्या प्रूव करना रह गया, अब सिर्फ ये प्रूव करना रह गया कि टी इज ऑन टू ऑल्सो। तो ऑन टू के लिए क्या प्रूव करना है कि अगर आप कैपिटल वी का कोई भी एक एलिमेंट स्मॉल वी लेते हो तो इसकी प्री इमेज कैपिटल यू में होनी चाहिए। सो नाउ लेट अस टेक वी, वी को मैंने लिख लिया बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू एंड सो ऑन बी एन बी एन, वेयर ऑल दीज बी आईज आर स्केलर्स, है ना, क्योंकि v कैपिटल v का एलिमेंट है तो इट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ v, और v का बेसिस क्या था, v1 v2 वी टू एंड सो ऑन वी एन, तो v को हमने लिख लिया v1 वन इंटू वी वन प्लस बी टू वी टू प्लस एंड सो ऑन बी एन वी एन। नाउ वी वन कैन बी रिटन एज टी ऑफ यू वन, वी टू कैन बी रिटन एज टी ऑफ यू टू एंड सो ऑन वी एन कैन बी रिटन एज टी ऑफ यू एन। सो इसका मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल टू बी वन इंटू टी यू वन प्लस बी टू इंटू टी यू टू प्लस एंड सो ऑन बी एन इंटू टी यू वन, एंड दिस इज इक्वल टू टी ऑफ बी वन यू वन प्लस बी टू यू टू एंड सो ऑन बी एन यू एन। वाई, बिकॉज टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस कैन बी रिटन एज टी ऑफ यू डैश, और आई कैन राइट टी ऑफ यू डबल डैश, वेयर दिस यू डबल डैश इज इक्वल टू बी वन यू वन प्लस बी टू यू टू प्लस एंड सो ऑन बी एन यू एन, इट बिलोंग्स टू यू। ये तो क्लियर है, बी वन यू वन प्लस बी टू यू टू प्लस एंड सो ऑन बी एन यू एन, इट बीइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ यू, इट विल बिलोंग टू यू। तो अगर हम वी कैपिटल वी का कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं तो हमें यू डबल डैश कैपिटल यू में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया सच दैट टी ऑफ यू डबल डैश इज इक्वल टू वी, देयरफॉर टी इज ऑन टू। तो हमने यू से वी तक एक फंक्शन डिफाइन कर दिया जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, hence u is isomorphic to v. So that means if u and v have the same dimension then u must be isomorphic to v. Okay, so two vector spaces, two finite dimensional vector spaces over a same field are isomorphic if and only if they have the same dimension. So that's all for today's lecture. Thank you very much.